मिले मेरे परिवार से? मम्मी पापा कैसे? माही, विनीत, सब ठीक है ना? ठीक है, लेकिन तुम्हें खो देने के गम से अभी तक उबर नहीं पाए, और ये उनके लिए इतना आसान भी नहीं होगा। इसलिए मैं तुम्हें फिर से कहता हूँ शिखा, अपनी असलियत अपने परिवार को बता दो। तुम्हें क्या लगता है नीरज, क्या मेरा मन नहीं करता कि मैं अपने माँ बाप से मिलूं, उनसे बातें करूं? लेकिन नहीं, अभी नहीं, मैं उन्हें पहले ही बहुत दुख दे चुकी हूं। मैं नहीं चाहती कि मेरी लड़ाई में उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़े। शिखा गुप्ता का सच अभी बताना बहुत बड़ी भूल होगी। अपनी बीवी का असिस्टेंट मैनेजिंग डायरेक्टर बनके कैसा लग रहा है? बीवी घर में भी बॉस और अब ऑफिस में भी। पति डरते होंगे, लेकिन असली मर्द अपनी पत्नी से कभी नहीं डरते। महाराज, इस बार तुमने अपनी हद पार कर दी। जाने क्या तुमने, सर रुको, कहाँ जा रहे आप? सर, सर, समायरा, आ हो तुम, समायरा। आदित्य, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कहा था तुमने? मैं मर्द नहीं हूं कि मैं अपनी बीवी से डरता हूं। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो आगे? कुछ नहीं। चलो, बहुत हो गई ड्रिंक्स, अब सो जाओ। वेट एंड वॉच समायरा, तुमने मुझे उकसाकर बहुत बड़ी गलती की है, तुम्हें इसका जवाब मैं जरूर दूंगा। थैंक यू। क्या सोच रही? यही कि हमें बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा, एक भी गलती नहीं कर सकते हम। आज अगर समायरा का सच आर्या के सामने आ गया होता, सोचो क्या होता, सब खत्म हो जाता। फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। समायरा सेठ, अरे ओ समायरा सेठ, बाहर निकल चलो। सबसे बड़ा राज जानता हूं मैं, यहीं से बताऊं या अंदर आके सुनना पसंद करोगे? बाहर निकलो भाई साहब, चिल्लाओ मत यहां पे। अरे ओ समायरा सेठ, अरे बाहर निकलो। अरे कोई जवाब तो दो। नीरज, यहाँ तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं, अंदर चल के बात करो। थोड़ा सा शराब के नशे में हूँ, सॉरी समायरा मैडम और शिखा गुप्ता।
नीरज क्या कर रहे हो? नीरज छोड़ो उसे, संभालो अपने आप को, क्या कर रहे हो तुम? ए, ज्यादा गर्मी दिखाने की जरूरत नहीं है, मेरे सामने हाथ जोड़ने की जगह मुझे पे हाथ उठा रहे हो हैं? इधर इधर, एक दूसरे को क्या देख रहे हो? समायरा सेठ और शिखा गुप्ता फ्रॉम नासिक, यह है आपकी सर्जरी के वक्त की तस्वीर। जरा देखें, कहीं मैं नशे में मेरी आंखें धोखा तो नहीं? आप रख लो, मेरे पास और। जरा देखिए, आप ही किया ना? वैसे कोशिश बहुत की आपने, लेकिन आदित्य के खिलाफ केस हार गई आप, बहुत बुरा हुआ। क्या चाहिए तुम? आप समझदार हैं, लेकिन ये इतना गुस्सेल क्यों है? सीधे सीधे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अरे मैडम, हमें क्या चाहिए? समायरा मैडम से एक ऑटोग्राफ और शिखा गुप्ता से 50 लाख रुपए। पचास लाख रुपए? क्यों नहीं है? नहीं है तो कोई बात नहीं, ये फोटोज लेके मैं आदित्य जगन्नाथ के पास चला जाता हूँ। इस खबर के वो इतने पैसे तो दे ही देगा मुझे। नीरज, नीरज छोड़ो उसे, नीरज, नीरज क्या कर रहे हो? दिमाग से काम लो, हर काम गुस्से से नहीं होता है। लेकिन चिका, चुप, आराम से। ये आदमी मेरे बारे में सब कुछ जानता है, अब क्या करेंगे? फिलहाल तो उसके उठने तक का इंतजार। दिन भर सोते रहोगे क्या? चलो उठो। गुड मॉर्निंग, एक कप चाय मिलेगी? बकवास बंद करो, सीधा सीधा बात पर आओ। सीधी बात यह है कि अब इनके बारे में सब कुछ जान चुका हूं मैं, इनका पास्ट, इनका प्रेजेंट और अब इनका फ्यूचर भी मेरे हाथों में। और अब अगर आप लोग चाहते हैं कि ये बात मैं किसी को ना कहूं, तो जो बात मैंने कही उसे मान लीजिए। रकम कितनी चाहिए मैं बता चुका हूं, एक बार फिर याद दिलाता हूं, 50 लाख रुपए। और ये रकम पाके तुम हमेशा हमेशा के लिए अपना मुंह बंद रखो? तुम वादा करते हो कि ये बात तुम कभी किसी को नहीं बताओगे? एक बार मेरी जेब में पैसे आ गए तो शायद मेरी जुबान पे वादा भी आ जाए। शायद? अब शायद का मतलब खुद बैठ के सोचिए। मैं चलता हूं, कब चाय तो पिलाई नहीं आप लोग। इस एड्रेस पे कल मैं आप लोगों का वेट करूंगा। आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं कि मैं कहां जाऊंगा। चलता हूं। आपको याद है ना, कल होली है। हाँ हाँ, कैसे भूल सकता हूँ। और हर साल की तरह इस साल भी
ऑफिस में बड़ी होली पार्टी होने वाली है। मैं सोच रहा हूँ सुनैना कि इस बार हम होली की पार्टी में नहीं जाएंगे। मुझे लगता है कि मधु और जय जगन्नाथ ग्रुप की नई पहचान बने। अगर हमारी कंपनी की कोई भी बात करे तो उसके सामने मेरा नहीं उन दोनों का चेहरा आना चाहिए, और ये तभी मुमकिन है जब मैं काम में अपनी इन्वॉल्वमेंट कम करूं। मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग बेटा, अभी तुम्हारी बात कर रहे थे। रियली? होली की तैयारियां कैसे चल रही हैं? फैंटास्टिक, इनफैक्ट एवरीथिंग इज डन। गुड। अब देखना डैड, इस साल की होली पार्टी से जगन्नाथ ग्रुप एक बार फिर से मीडिया की चर्चा में आ जाएगा। गुड। टीवी, इंटरनेट, न्यूज़पेपर्स, पब्लिसिटी के लिए बहुत अच्छा मौका है डैड। एंड यू नो व्हाट डैड, इस पार्टी की सबसे बड़ी हाईलाइट क्या होगी? क्या बेटा? समायरा की परफॉर्मेंस। हाँ। होली के रंगों के साथ साथ समायरा की आवाज जो इस पार्टी में रंग बिखरेगी उसे बस लोग देखते रह जाएंगे। नीरज, इस डॉक्टर के असिस्टेंट की वजह से हमारा पूरा प्लान फेल हो जाएगा। वो 50 लाख रुपए मांग रहा है, कहां से लाएंगे हम लोग 50 लाख रुपए? वो मैं देख लूंगा शिखा, तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम सिर्फ आदित्य पर ध्यान दो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, हो क्या रहा है? सब कुछ बिखरता हुआ नजर आ रहा है, एक के बाद एक नई मुसीबत। एक तरफ ये डॉक्टर का असिस्टेंट और दूसरी तरफ आदित्य जगन्नाथ। कल से उसका ना कोई फोन आया है ना कोई मैसेज। पति डरते होंगे लेकिन असली मर्द अपनी पत्नी से कभी नहीं डरते। लगता है उसको मेरी बात का कुछ ज्यादा ही बुरा लग गया। आदित्य जगन्नाथ से अब मैं फोन पे नहीं, मिल के बात करूंगी। तो मुझसे अकेले भले ही ना मिले लेकिन अपनी बीवी मधुरिमा जगन्नाथ के साथ तो उसे मिलना ही पड़ेगा ना। आदित्य जगन्नाथ। कहाँ जा रही? तैयारी करने। मतलब? घर पे गेस्ट आएंगे तो उनका वेलकम ढंग से करना पड़ेगा ना। गेस्ट? गेस्ट आदित्य जगन्नाथ और उसकी बीवी मधुरिमा जगन्नाथ। नीरज, कल होली है ना, मेरा एक फेवर करोगे प्लीज? बोलो। तुम जाके मेरे परिवार वालों से मिलाओगे, मेरे दिल को तसल्ली मिल जाएगी। कितनी अजीब बात है ना, जिन लोगों की वजह से मेरे परिवार की जिंदगी का रंग फीका पड़ गया, कल उन्हीं के साथ मुझे होली खेलनी पड़ेगी। अरे ये क्या हुआ? पापा, आप पे रंग किसने लगा दिया? बेटा, नीचे कुछ बच्चे खेल रहे थे, कल होली है ना। कल होली है? हमें तो याद भी नहीं रहा। याद करके करोगे भी क्या? अब हमारे लिए क्या होली और क्या दिवाली। मैं चेंज करके आता हूँ।
आइए। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। नीरज, तुम? अंकल कल होली है ना, तो मैं आप लोगों के लिए कुछ लेकर आया। गुलाल, ये क्या मजाक है नीरज? हमारी जिंदगी बेरंग हो चुकी है, तुम हमें होली खेलने के लिए कह रहे हो? जानते नहीं क्या कि शिखा के जाने के बाद हम कैसे? अंकल क्या मुझे नहीं पता कि ऐसे हालात में मैं आपको होली के रंग ला कर दूंगा तो आपको बहुत बुरा लगेगा, लेकिन फिर भी मैं लेकर आया तो कोई ना कोई तो वजह होगी ना। मतलब कहना क्या चाहते हो तुम? मेरे कहने का ये मतलब अंकल कि शिखा जी की किताब में एक पब्लिशर इंटरेस्टेड है। सच? जी हाँ, मैंने उससे बात की है, वो किताब पढ़ना चाहता है। बस इसी सिलसिले में मैं उसकी एक कॉपी लेने आपके पास आया हूँ। ये तो बहुत खुशी की बात है। थैंक यू नीरज, थैंक यू वेरी मच। जिंदगी हमेशा बेरंग नहीं रहेगी अंकल, आई प्रॉमिस। आजकल होली पार्टी में चाहे कितनी भी मीडिया क्यों ना हो, प्लीज मेक श्योर कि कौन है? ये क्या है? मैम ये समीरा मैम के यहाँ से कोई आया था, उन्होंने आपके लिए ही भिजवाया है। लाओ दो। देखें तो क्या भेजा है। मेरे लिए इयररिंग्स, नाइस। ये देखें। हाय मधु, प्लीज बी माय गेस्ट टुडे। दोनों लवली हस्बैंड वाइफ के लिए डिनर होस्ट करके मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आज रात 8 बजे मेरे घर। समायरा ने हमें डिनर पे उसके यहाँ इनवाइट किया। बहुत ज्यादा फ्रेंडली नहीं हो रही हमारे साथ? शायद भूल गई कि ये हमारे साथ नहीं बल्कि हमारे लिए काम करती। उसे ये बात याद तो दिलानी पड़ेगी ना। वो लोग आएंगे। मैं जानती हूँ आदित्य जगन्नाथ क्या करने की कोशिश कर रहा है। वो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, इसलिए मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। कोई बात नहीं, आज उसकी बारी थी, कल मेरी बारी होगी। कल होली, होली के दिन मुलाकात तो होगी। मिस्टर ओब्रॉय, हमारे रियल एस्टेट वेंचर में इन्वेस्ट करना चाहा। यही तो प्रॉब्लम है, जहां मौका मिले वहां बिजनेस की बातें शुरू हो जाती। आज त्योहार का माहौल है, पहले एक दूसरे को विश तो कर रहे।
हैप्पी होली। आई एम श्योर हमारा वर्क एसोसिएशन बहुत अच्छा रहेगा। डेफिनेटली। वेल मिस्टर ओब्रॉय, प्लीज एंजॉय द पार्टी। एंजॉय तो तब करेंगे ना जब आपकी पार्टी में कुछ धमाल होगा। कहाँ है आपकी स्टार परफॉर्मर समायरा सेठ? समायरा की परफॉर्मेंस बस थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। वो तो जब शुरू होगा तब होगा, लेकिन उससे पहले उनसे मिलवा तो दीजिए। ऑफ कोर्स। अब राकेश। यस मैम। राकेश, मिस्टर ओब्रॉय को समायरा से मिलना। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैम एक्चुअली समायरा मैम अभी तक आई नहीं है। प्लीज एक्सक्यूज। कम ही आओ। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूँ, समायरा मैम की सब वेट कर रहे हैं। एक मिनट मिस्टर ओब्रॉय। समायरा अभी तक आई नहीं।